गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ आर एन ऑफ फिजियो क्लास. टुडे दिस इज़ द थर्ड क्लास ऑफ ईयर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, इन विच टुडे वी विल स्टडी अबाउट द इनर ईयर, द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ इनर ईयर. इससे पहले की दोनों क्लासेस में हमने एक्सटर्नल ईयर, आउटर ईयर जो था वो हमने अच्छे से पढ़ लिया डिटेल में. फिर मिडल ईयर वाली क्लास हमारी कंप्लीट हो गई. आज हमारी तीसरी क्लास है इनर ईयर, जो आपको दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर के अंदर. ये इनर ईयर की स्ट्रक्चर आप क्लियरली डायग्राम के अंदर देख सकते हैं. तो इस स्ट्रक्चर को देखें, उससे पहले आप देखिए कि हमारे पूरे कान का जो सबसे डीपेस्ट पार्ट होता है वो इनर ईयर ही होता है. और ये जिस जगह पे लोकेटेड रहता है ये इनर ईयर, उसे हम बोनी लेब्रियंथ कहते हैं. बोनी लेब्रियंथ में ये इनर ईयर लोकेटेड रहता है. और ये बोनी लेब्रियंथ क्या है, ये बोन पैसेज वे का एक मेज़ है आप ये कह सकते हैं, जिसमें फ्लैशी ट्यूब्स का पूरा नेटवर्क पाया जा रहा होता है. आपको डायग्राम में ये दिखाई दे रहा है, फ्लैशी ट्यूब्स दिखाई दे रही हैं आपको. लाइट ब्लू कलर का, ग्रे सा कलर का ये स्ट्रक्चर बना हुआ है. तो फ्लैशी ट्यूब्स का पूरा एक नेटवर्क इसके चारों तरफ पाया जा रहा होता है, उसको हम मेम्ब्रेनस लेब्रियंथ कहते हैं. भाई बोनी लेब्रियंथ वो जगह जहाँ इनर ईयर लोकेटेड है, और उसका पैसेज वे के चारों तरफ जो है वो लाइनिंग फ्लैशी ट्यूब्स की पाई जा रही होती है. ट्यूब्स का नेटवर्क है जिसे हम मेम्ब्रेनस लेब्रियंथ कह रहे हैं, और इसमें फ्लूड भरा रहता है. ये बात हमने अपनी दोनों क्लासेस में पढ़ी थी कि इसमें फ्लूड भरा रहता है. तो फ्लूड यहाँ पर कुशन की तरह एक्ट करता है. जो फ्लूड कुशन की तरह एक्ट कर रहा है उसे हम पैरी लिम्फ कहते हैं, और ये बोनी और मेम्ब्रेनस लेब्रियंथ के बीच में पाया जाता है पैरी लिम्फ. जबकि एक दूसरा फ्लूड जो है जिसे हम एंडोलिम्फ कहते हैं, ये मेम्ब्रेनस लेब्रियंथ के अंदर पाया जा रहा होता है. तो हमने दो पार्ट बताए आपको, बोनी लेब्रियंथ और मेम्ब्रेनस लेब्रियंथ. बोनी और मेम्ब्रेनस लेब्रियंथ के बीच में जो फ्लूड है वो कुशन की तरह एक्ट करता है, उसको हम पैरिलिम्फ कहते हैं. और इसके अलावा मेम्ब्रेनस लेब्रियंथ के खुद के अंदर भी एक फ्लूड पाया जा रहा होता है जिसे हम एंडोलिम्फ कहते हैं. तो दो तरह के इसमें फ्लूड पाए जा रहे हैं, पैरिलिम्फ और एंडोलिम्फ. और इनर ईयर के अंदर एक चैम्बर पाया जाता है जिसको हम वेस्टिब्यूल कहते हैं, जो कि बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा होता है हमारी बैलेंसिंग में. हमारे बैलेंस का सेंसेशन हमें इसी में ही मिलता है. हालांकि हम ये जो बैलेंस वाला मैकेनिज्म है इसे हम पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे आगे, पर ये मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन दिया है. तो मैंने अभी जो आपको पॉइंट बताया वो मैंने वेस्टिब्यूल वाला पॉइंट बताया. वेस्टिब्यूल आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, आप इस ब्लू वाले डायग्राम को देखिए. स्केला टिम्पैनी दिखाई गई है, स्केला वेस्टिब्यूल ही दिखाई गई है. येलो कलर की कोक्लियर नर्व आपको डायग्राम में दिखाई गई है. स्पायरल गैंग्लियॉन्स हैं गोल गोल घूमे हुए, और ये गोल जो मेन स्ट्रक्चर है वो कोक्लिया है, आपको पता ही है. इसमें राउंड विंडो दिखाई गई है, राउंड विंडो के ऊपर ओवल विंडो दिखाई गई है. ओवल विंडो हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर पढ़ी थी. तो ये इनर ईयर, या जिसे हम बोनी लेब्रियंथ, क्योंकि मैंने आपको कहा कि बोनी लेब्रियंथ वो जगह है जिसके अंदर इनर ईयर होता है. तो इनर ईयर या बोनी लेब्रियंथ को हम डिटेल में पढ़ें, तो जो नाम अभी पीछे आए थे उन सभी नाम, कोक्लिया, ऑडिटरी नर्व, सेमी सर्क्युलर कैनाल्स एंड वेस्टिब्यूल का नाम यहाँ लिखा हुआ है, और इनका डिस्क्रिप्शन जो है वो दिया हुआ है कि ये क्या हैं, कैसे हैं. तो इनका डिस्क्रिप्शन हम पढ़ें. उससे पहले जो मैंने आपको पॉइंट बताया था वो मैं आपको इंग्लिश में एक बार बोल के बता देती हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, आप आराम से नोट कर सकें उसको, और फिर हम इसका डिस्क्रिप्शन इस स्लाइड के अंदर पढ़ेंगे. तो हमने अभी तक क्या बोला, द इनर ईयर इज़ द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द होल ईयर एंड इज लोकेटेड इन अ प्लेस नोन एज द बोनी लेब्रियंथ, विच इज़ अ मेज ऑफ बोन पैसेज वेज लाइंड बाय अ नेटवर्क ऑफ फ्लैशी ट्यूब्स नोन एज द मेम्ब्रेनस लेब्रियंथ. A cushion of fluid called perilymph lies between the bony and membranous labyrinth, while a fluid called endolymph is found within the membranous labyrinth itself. Within the inner ear, there is a chamber called the vestibuli, which plays
अ मेजर रोल इन द सेंस ऑफ बैलेंस. बैलेंस इज फर्दर डिस्कस्ड इन आर दिस प्रेजेंटेशन. सो ये तो हुआ इनर ईयर का इंट्रोडक्शन. तो इसमें हमने पैरलिम्फ, एंडोलिम्फ, बोनी लेब्रिंथ, मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ के बारे में पढ़ा और उन्हीं का डिस्क्रिप्शन यहाँ आगे दिया हुआ है. तो आगे आप देख सकते हैं कोकलिया जो है, जिसको हम बोनी लेब्रिंथ कह रहे हैं, ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि कॉइल्ड ट्यूब से बना हुआ होता है, जैसा आपको स्नेल दिखाई देता है. स्नेल एक एनिमल है, आपको पता ना, घोंघा जिसे आप कहते हैं. तो स्नेल लाइक स्ट्रक्चर की तरह इसमें कॉइल्ड ट्यूब्स का पूरा एक सिस्टम है इनर ईयर का, जिसके अंदर फ्लूड भरा हुआ रहता है. दो तरह के फ्लूड, पैरिलिम्फ और एंडोलिम्फ. पैरिलिम्फ मैंने आपको बता दिया कहाँ भरा हुआ होता है, बोनी और मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ के बीच में, और एंडोलिम्फ मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ के अंदर भरा हुआ होता है. और इसके अंदर तीन ट्यूब्स या तीन केनाल्स जो हैं वो पाई जा रही होती हैं. पहला स्केला वेस्टिब्यूली, जिसको अपन वेस्टिब्युलर केनाल भी कहते हैं, स्केला वेस्टिब्यूली. दूसरा स्केला मीडिया, जिसको अपन कोक्लियर केनाल भी कहते हैं, वेस्टिब्युलर केनाल एंड कोक्लियर केनाल इसे हम कह रहे होते हैं. और थर्ड जो है, आपको थोड़ा सा ये साफ दिखाई नहीं दे रहा है, इसमें लिखा हुआ है एंड, पर थर्ड वाला एक्चुअली ना ओवरलैप कर गया है. कोई बात नहीं, ये जो ओवरलैप कर गया मैं ये आपको बताती हूँ कि ये मैकेनिकली सेंसिटिव हेयर सेल्स के बारे में ये पॉइंट लिखा हुआ है. जो ब्लू वाला पार्ट है वो थोड़ा सा नीचे आएगा, ये आपको क्लियर दिखाई नहीं दे रहा. कोई बात नहीं, आप इस डायग्राम के अंदर ये वाली चीज़ देख सकते हैं कि स्केला वेस्टिब्युली दिखाई गई है, स्केला मीडिया दिखाया गया है. तो तीसरा पार्ट जो है वो स्केला टिम्पैनी है, जो आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है. स्केला टिम्पैनी ही लिखा हुआ है थर्ड वाला पॉइंट, क्योंकि हमने कहा ना तीन ट्यूब्स या तीन कैनाल्स इसके अंदर होती है. तो तीनों कैनाल्स जो है इसके अंदर बताई गई हैं, स्केला वेस्टिब्युली, स्केला मीडिया और स्केला टिम्पैनी. अब इसके बाद हम जो कोकलिया है वो सिर्फ इतना सा ही नहीं लिखेंगे, तो शॉर्ट में बताया मैंने कोकलिया को, थोड़ा सा और अपन डिटेल में देखें तो एक्चुअली क्या है कि वेस्टिब्यूली से जो अराइज होती हुई स्ट्रक्चर है वो कोकलिया है. वेस्टिब्यूली से जो अराइज होती हुई स्ट्रक्चर है वो कोकलिया है. वेस्टिब्यूली से अराइज होती हुई स्ट्रक्चर कैसे, आप डायग्राम, इसे पहले वाले डायग्राम में आप देख सकते हैं कि वेस्टिब्यूली से ये अराइज हो रही है. तो उस स्ट्रक्चर को हमने कोकलिया कहा है, जिसको कई बार हम ऑर्गन ऑफ हियरिंग भी कहते हैं. ऑर्गन ऑफ हियरिंग कोकलिया को कहा जाता है. और ये पूरे ईयर का पार्ट है जो कि एक्चुअली साउंड वाइब्रेशन को परसेप्शन ऑफ हियरिंग में कन्वर्ट करता है. क्योंकि कोई बोल रहा है तो वो हमारे कान में एक्सटर्नल या आउटर ईयर से होता है, मिडल ईयर तक जब आ रहा है तब तक वो केवल साउंड वाइब्रेशन है. पर जब हमारे वो इनर ईयर में कोकलिया तक पहुंचेगा तब वो साउंड वाइब्रेशन हियरिंग में कन्वर्ट होगा और हमें पता चलेगा कि सामने वाला क्या बोल रहा है. तो परसेप्शन ऑफ हियरिंग में कन्वर्ट करने का काम जो है ये आपका कोकलिया कर रहा होता है. कोकलिया जो हमने बोला भाई स्नेल लाइक स्पाइरल स्ट्रक्चर होती है. ताकि ये क्यों ऐसी होती है, स्पाइरल क्यों होती है, ताकि जो ये कोकलिया काफ़ी लंबा होता है, लॉन्गर है, ताकि वो आराम से एक एनक्लोज स्पेस में अपने आप को फिट कर सके. इसलिए ऐसी स्ट्रक्चर हमारी बॉडी के अंदर बनी हुई है कि स्नेल लाइक स्पाइरल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया, ताकि आराम से उस जगह पे एडजस्ट हो सके. ये 9 मिलीमीटर चौड़ा होता है अपने बेस पे और 5 मिलीमीटर हाइट इसकी देखने को मिल रही होती है. और आप इसकी सेक्शन देखेंगे तो इसमें स्पंजी बोन आपको दिखाई देगी, जिसको आप मोडियोलस कहते हैं. अपने इस डायग्राम के अंदर तो मोडियोलस के बारे में कुछ खास नहीं बताया हुआ, खैर पर आपको आगे पता चल जाएगा. तो इसको अपन मोडियोलस कहते हैं. मोडियोलस एक शेप है, एक्चुअली द मोडियोलस इज अ शेप्ड लाइक अ स्क्रू है. स्क्रू के जैसी एक शेप है मोडियोलस, जिसका जो थ्रेड है वो स्पाइरल प्लेटफॉर्म बनाता है कोकलिया को सपोर्ट करने के लिए, जो कि फ्लैशी है और ख़ुद अपने आप सपोर्ट ले नहीं सकता कोकलिया, क्योंकि वो फ्लैशी है तो खुद सपोर्ट नहीं ले सकता. तो उसको सपोर्ट देने के लिए एक पतला थ्रेड जैसी स्ट्रक्चर आ रही होती है, ताकि उसको प्लेटफॉर्म दिया जा सके, और वो मोडियोलस होती है.
ऐसा इस कोकलिया की स्ट्रक्चर को अपन देख रहे होते हैं। चलिए कोकलिया के स्ट्रक्चर को अपन थोड़ा सा और डिटेल में देखें, उससे पहले अपन इस स्लाइड की बाकी दोनों टर्म्स को देख लेते हैं, तो फिर कोकलिया मैं आपको दोबारा बता दूंगी। स्लाइड में सबसे पहला कोकलिया दिया हुआ है, जैसा आपको दिखाई दे रहा है। ये सेंसिटिव पार्ट है हियरिंग में, क्योंकि मैंने बोला ना कि ये साउंड वाइब्रेशंस को परसेप्शन ऑफ हियरिंग में कन्वर्ट कर रहा है। दूसरा ऑडिटरी नर्व हमारे इनर ईयर से जुड़ी होती है, जो कि ब्रेन तक इम्पल्सेस को लेकर के जा रही होती है, फिर वहाँ से वो इम्पल्स इंटरप्रेट होती है और हमारे को साउंड के इम्पल्सेस के बारे में वो बताती है। मतलब उस इम्पल्स को कहती है साउंड वाला है और क्या बोल रहे हो हमें पता चलेगा उसकी सुनने के बाद। तो ये ऑडिटरी नर्व का काम होता है कि ये चीज़ों को जो बोला जा रहा है उसको हमारे ब्रेन तक ले जाता है और ब्रेन फिर हमारे को समझ करके बताता है ये क्या चीज़ बोली गई है। और थर्ड स्ट्रक्चर बताई गई है इसमें सेमी सर्क्युलर कैनाल एंड वेस्टिबल, जो कि हमने बोला भाई बैलेंस के, हमारी बॉडी के बैलेंस के काम में आ रही होती है। तो ये तीनों स्ट्रक्चर्स हमने देखी, कोकलिया, ऑडिटरी नर्व और सेमी सर्क्यूलर कैनाल्स एंड वेस्टिबली। अब ये कोकलिया का आप डायग्राम यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं, जो बातें हमने बोली वो इसके अंदर आ जाएंगी और बाकी जो हमने नहीं बोली हैं वो भी अभी मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले मैंने क्या बोला था इंट्रोडक्शन के अंदर वो देखिए, उससे पहले आप ये ऊपर ब्लू वाला जो छोटू सा डायग्राम है आप उसको देख सकते हैं कि कोकलिया बताई गई है स्पाइरल शेप की, ये कोकलिया है। मैंने लाइन बोली थी कि कोकलिया क्या है, अराइजिंग फ्रॉम द वेस्टिब्यूली इज द कोकलिया, जो वेस्टिब्यूल से अराइज हो रही है वो कोकलिया है। विच इज़ समटाइम्स रेफर टू एज द ऑर्गन ऑफ हियरिंग, हम उसे ही कई बार ऑर्गन ऑफ हियरिंग कहते हैं क्योंकि मेन हियरिंग का परसेप्शन ये आपका कोकली आपको प्रोवाइड करता है। एज इट इज़ द पार्ट ऑफ द होल ईयर दैट एक्चुअली कन्वर्ट साउंड वाइब्रेशन टू द परसेप्शन ऑफ हियरिंग, तो हम इसको ऑर्गन ऑफ हियरिंग क्यों कह रहे हैं क्योंकि यही एक्चुअली वो भाग है हमारे कान का, पूरे कान का यही वो पार्ट है जो साउंड वाइब्रेशन को हमारे परसेप्शन ऑफ हियरिंग में कन्वर्ट कर रहा है। The cochlea is in the form of snail-like spiral so that a longer cochlea is able to fit inside an enclosed space. It is about 9 mm wide at the base and 5 mm high and winds around a section or we can say winds around a section of spongy bone called the modulus. Modulus ke chaaron taraf ye wind rehta hai. The modulus is a shaped like a screw whose threads form a spiral platform that support the cochlea which is fleshy and unable to support itself. ये लाइन मैंने आपको बताई थी कि भाई वेस्टिबल से अराइज हो रहा है कोकलिया, इसे हम ऑर्गन ऑफ हियरिंग कहते हैं क्योंकि ये साउंड वाइब्रेशन को परसेप्शन ऑफ हियरिंग में कन्वर्ट करता है। कोकलिया खुद स्नेल लाइक स्पाइरल शेप का होता है क्योंकि इतना लंबा होता है कि इसको एनक्लोज स्पेस में फिट करना मुश्किल हो जाएगा अगर ये स्पाइरल शेप का नहीं होगा तो। इसका बेस 9 मिलीमीटर चौड़ा होता है और 5 मिलीमीटर तक ऊंचा होता है। ये एक स्पॉन्जी बोन के चारों तरफ वाइंड रहता है जिसको अपन मोड्यूलस कहते हैं। मोड्यूलस स्क्रू शेप का स्ट्रक्चर है जो कि थ्रेड जिसके स्पाइरल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं कोकलिया को, क्योंकि कोकलिया खुद अपने आप में इतना सॉफ्ट होता है कि वो खुद से ऐसे स्पाइरल फॉर्म में नहीं रह सकता, तो उसको सपोर्ट के लिए कोई चीज़ चाहिए होती है। दूसरा अगर हम देखें तो चैम्बर्स ऑफ द कोकलिया, कोकलिया के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं चैम्बर्स, तो कोकलिया के अंदर हमने कहा 3 फ्लूइड फिल्ड चैम्बर्स पाए जा रहे होते हैं जो कि तीनों चैम्बर्स को मेम्ब्रेन सेपरेट आउट किए रखती हैं। इसमें सबसे पहले अपर चैम्बर होता है, दूसरा बॉटम चैम्बर होता है। तो अपर चैम्बर जिसको अपन स्केला वेस्टिब्यूली कहते हैं, आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है स्केला वेस्टिब्यूली, आप क्लियरली देख सकते हैं अपर चैम्बर स्केला वेस्टिब्यूली है, बॉटम चैम्बर स्केला टिम्पेनाई है और ये देख सकते हैं आप डायग्राम के अंदर ऊपर वाला चैम्बर स्केला वेस्टिब्यूली, नीचे वाला चैम्बर स्केला टिम्पेनाई, जिसके अंदर क्या भरा हुआ रहता है पेरिलिम्फ, आपको डायग्राम में भी दिखाई दे रहा है कि स्केला टिम्पेनाई के अंदर पेरिलिम्फ भरा रहता है। स्केला टिम्पेनाई जो है वो कवर्ड रहता है एक सेकेंडरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के द्वारा, इसके चारों तरफ सेकेंडरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है। और जो तीसरा मिडिल चैम्बर है जिसको अपन स्केला मीडिया कह रहे हैं, वो उस चैम्बर जिसको अपन, इसका दूसरा नाम कोकलिया डक्ट भी है, स्केला
जो मिडल चैम्बर इज कैला मीडिया, उसको हम कोक्लिया डक्ट भी कहते हैं, जो आपको दिखाई दे रहा है डायग्राम के अंदर। तीनों ये इस डायग्राम को एक को ले सकते हो। सबसे ऊपर वाला जो है वो है आपका स्केला वेस्टिब्यूली, बीच वाला आपका है स्केला मीडिया, और थर्ड वन जो है वो स्केला टिम्पेना। ये आपको डायग्राम में तीनों चीज़ें एकदम क्लियर दिखाई दे रही हैं, और किसके अंदर क्या भरा हुआ है वो भी आपका दिखाई दे रहा है। वेस्टिब्यूली और टिम्पेनाई दोनों में पैरालिम्फ भरा रहता है, जबकि कोक्लियर डक्ट के अंदर एंडोलिम्फ भरा हुआ रहता है पैरालिम्फ की जगह पर। तो अब इस बात को आप लिखेंगे कैसे, तो आप नोट डाउन कर लीजिए। द कोक्लिया कंटेन्स थ्री फ्लूड फिल्ड चैम्बर सेपरेटेड बाय मेम्ब्रेन्स। द अपर चैम्बर दैट इज स्केला वेस्टिब्यूली एंड द बॉटम चैम्बर दैट इज स्केला टिम्पेनाई आर फिल्ड विद पेरिलिम्फ। द स्केला टिम्पेनाई इज कवर्ड बाय अ सेकेंडरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। द मिडिल चैम्बर इज द स्केला मीडिया और द कोक्लिया डक्ट इट इज़ फिल्ड विद एंडोलिम्फ इंस्टेड ऑफ पैरालिम्फ। तो ये तीनों नाम हमने बताए हैं कि क्या क्या इनकी खासियत है। तीन फ्लूड फिल्ड चैम्बर्स हैं कोक्लिया के अंदर, मेम्ब्रेन से सेपरेटेड रहते हैं तीनों के तीनों। सबसे ऊपर का चैम्बर स्केला वेस्टिब्यूल है, सबसे नीचे का है स्केला टिम्पेनाई, दोनों में पैरालिम्फ भरा रहता है। इन दोनों के बीच में मिडिल चैम्बर है जिसको अपन स्केला मीडिया कहते हैं, कोक्लिया डक्ट भी कहते हैं। इसके अंदर एंडोलिम्फ भरा होता है इंस्टेड ऑफ पैरालिम्फ। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर इससे जुड़ी हुई है वो है ऑर्गन ऑफ कॉटाई। हमारे को ऑर्गन ऑफ कॉटाई देखना है। अब ऑर्गन ऑफ कॉटाई क्या चीज़ है जी, देखिए आप, आपको डायग्राम के अंदर दिखाई दे रहा है, राइट साइड से आप देख सकते हैं ये वाला स्पाइनल ऑर्गन, ऑर्गन ऑफ कॉटाई। ये आपको इधर से पतला सा ब्लू कलर का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, इसी मिडल वाले के पास में ये दिखाया गया है। तो ऑर्गन ऑफ कॉटाई जो है इज़ सपोर्टेड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड द बेसिलर मेम्ब्रेन। सो ऑर्गन ऑफ कॉटाई को सपोर्ट करती हुई एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसको अपन बेसिलर मेम्ब्रेन कहते हैं। ये बेसिलर मेम्ब्रेन जस्ट इसके ऊपर स्ट्रक्चर में दिखाई गई है डायग्राम में, आप देखिए ऑर्गन ऑफ कॉटाई के ऊपर बेसिलर मेम्ब्रेन आपको दिखाई गई है। ये लगभग छोटा मटर के दाने जितनी छोटी सी स्ट्रक्चर होती है। ये ट्रांसड्यूसर का काम करती है। ट्रांसड्यूसर मतलब ये वाइब्रेशन को नर्व इम्पल्सेस में कन्वर्ट करती है। जो साउंड की वाइब्रेशंस आ रही है ना आपके पास, उसे नर्व इम्पल्स में ये कन्वर्ट करेगी। ये हेयर सेल्स इसमें होती हैं और सपोर्टिंग सेल्स होती है। इसके अंदर दो स्ट्रक्चर है, हेयर सेल्स और सपोर्टिंग सेल्स। हेयर सेल्स जो होते हैं वो इतने लॉन्ग होते हैं, लॉन्ग स्टिफ माइक्रोविलाई इनके अंदर पाई जा रही होती है। हेयर सेल्स के अंदर लंबी लंबी माइक्रोविलाई पाई जा रही होती है जिसको अपन स्टीरियोसीलिया कह रहे होते हैं। मैं जो पॉइंट्स बोल रही हूँ आपको और आगे समझ में आ जाएंगे, अभी आप सिर्फ सुन लीजिए। हेयर सेल्स जो होती हैं उनके अंदर लंबे माइक्रोविलाई पाए जा रहे होते हैं जिसको अपन स्टीरियोसीलिया कहते हैं। ये एपिकल सरफेस पर, हेयर सेल्स की एपिकल सरफेस पर पाए जा रहे होते हैं। माइक्रोविलाई आप जानते हैं, फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं सेल के ऊपर, जो क्या काम करती है, जिस भी जगह पे होती है उस जगह का, उस जगह का या उस सेल के सरफेस एरिया को ये बढ़ा देती है। इसके ऊपर, इनके ऊपर जो है स्टीरियोसीलिया पाया जाता है जो कि एक जेली लाइक मेम्ब्रेन होती है जिसको अपन टेक्टोरियल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो ये मैंने आपको इसके बारे में बताया। ये मैं क्या बता रही हूँ आपको, इनके छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बता रही हूँ। जो मैंने पॉइंट बोले हैं अभी तक, जिनमें से पहले जो तीन पॉइंट्स बोले थे वो तो अपन पढ़ रहे थे कि कौन कौन से पार्ट हैं कोक्लिया के। तो हमने पढ़ा स्केला वेस्टिब्यूलाई, कोक्लिया डक्ट और स्केला टिम्पेनाई। उसके बाद हमने जो दूसरी स्ट्रक्चर स्टार्ट करी है वो स्पाइनल ऑर्गन ऑफ कॉटाई स्टार्ट करी, जिसके ऊपर आपको बेसिलर मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है। और मैंने अभी तक जो पॉइंट्स बोले वो आपको इस नेक्स्ट स्लाइड में समझ में आ जाएंगे। इस नेक्स्ट स्लाइड को आप देखते जाइए, आपको पता चल जाएगा कि मैंने अभी तक क्या बोला। मैंने जो बोला मैं रिपीट कर देती हूँ। द ऑर्गन ऑफ कॉटाई इज सपोर्टेड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड द बेसिलर मेम्ब्रेन। ऑर्गन ऑफ कॉटाई की सपोर्ट करने वाली कौन सी मेम्ब्रेन है, बेसिलर मेम्ब्रेन, जो आपको इस राइट साइड के डायग्राम में ये दिखाई दे रही है। बेसिलर मेम्ब्रेन इसको सपोर्ट किए रहती है।
और ये जो ऑर्गन ऑफ कॉटाई है ये पी शेप की स्ट्रक्चर है, छुटकी सी आपको दिखाई दे रही है, देखो नीला नीला सा बनाया हुआ है ना, स्काई ब्लू वाले ये ऑर्गन ऑफ कॉटाई है। तो ये मटर के दाने जितनी छोटी सी स्ट्रक्चर होती है। ये ट्रांसड्यूसर, इंग्लिश में बता देती हूँ आप नोट कर लिए, इट अबाउट्स द साइज ऑफ अ पी एंड एक्ट्स एज अ ट्रांसड्यूसर कन्वर्टिंग वाइब्रेशन इंटू नर्व इम्पल्सेस। इट हैज़ हेयर सेल्स एंड सपोर्टिंग सेल्स, आपको ये भी डायग्राम में दिखाई दे रहा है। ऑर्गन ऑफ कॉटाई में हेयर सेल्स आपको दिखाई दे रही हैं, तीनों जगह पर हेयर सेल्स। इट हैज़ हेयर सेल्स एंड सपोर्टिंग सेल्स। हेयर सेल्स हैव लॉन्ग स्टिफ माइक्रोविलई कॉल्ड स्टीरियोसीलिया ऑन देयर एपिकल सर्फेसेस। माइक्रोविलई आर फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स ऑन सेल्स दैट हेल्प टू इंक्रीज सेल सर्फेस एरिया। ऑन टॉप ऑफ दीज स्टीरियोसीलिया इज अ जेली लाइक मेम्ब्रेन कॉल्ड द टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। तो हमने यही पॉइंट अभी तक बोले हैं जो कि आपको डायग्राम में भी थोड़े बहुत दिखाई दे रहे हैं, समझ में आ रहे हैं। आपको दिखाई दे रहा है ऑर्गन ऑफ कॉटाई जिसको सपोर्ट करने वाली मेम्ब्रेन बेसिलर मेम्ब्रेन नीचे दिखाई गई है डायग्राम में। टी शेप का ये होता है, ट्रांसड्यूसर का काम करता है, वाइब्रेशन को नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ देखो आपके इसके पास में ही कोक्लियर नर्व दिखाई गई है, नर्व इम्पल्स इसी नर्व के थ्रू ब्रेन तक जाएंगे ना, तो नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट कर देगी। इसमें हेयर सेल्स और सपोर्टिंग सेल्स होती हैं। हेयर सेल्स आपको डायग्राम एकदम क्लियर क्लियर दिखाई गई हैं ऑर्गन ऑफ कॉटाई में, और इनकी सरफेस के ऊपर माइक्रोविलई पाई जा रही होती है। माइक्रोविलई हेयर सेल्स पर पाई जा रही है ताकि उसका एपिकल, उसके एपिकल सरफेस पर पाई जा रही होती है, और इनको अपन स्टीरियोसीलिया कहते हैं। माइक्रोविलई का नाम है स्टीरियोसीलिया। माइक्रोविलई खुद फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि सेल के सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करती है। इन स्टीरियोसीलिया के ऊपर जेली लाइक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसको अपन टेक्टोरियल मेम्ब्रेन कहते हैं। डायग्राम में दिखाई दे रहा है भाई, आप एकदम क्लियर क्लियर देख सकते हो, देखो हल्के हल्के रंग की टेक्टोरियल मेम्ब्रेन आपको दिखाई गई है जो किसके ऊपर है, इस माइक्रोविलई के ऊपर जुड़ी हुई आपको दिख रही है ना, ये माइक्रोविलई नीचे नीचे दिख रही है इसके ऊपर, ऑर्गन ऑफ कॉटाई के ऊपर माइक्रोविलई, माइक्रोविलई के ऊपर आपको जेली लाइक मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है जिसको अपन टेक्टोरियल मेम्ब्रेन कहते हैं। और फोर रोज आपको दिख रही हैं ये हेयर सेल्स की, चार ही हैं, कहीं ऐसा नहीं है कि तीन दिख रही हो पांच दिख रही हैं, चार आपको हेयर ब्लू ब्लू कलर की, लाइट ब्लू कलर की हेयर सेल्स आपको दिखाई दे रही है चार रोज के अंदर। हेयर सेल्स स्पायरल है अपनी लंबाई के साथ में दिखाई दे रही हैं आपको ऑर्गन ऑफ कॉटाई से जुड़ी हुई। लगभग इसमें 3500 इनर हेयर सेल्स पाई जा रही होती हैं, 3500, और उनके अंदर 50 से 60 हर एक के अंदर, मतलब जो 3500 हेयर सेल्स हैं उनमें हर एक प्रत्येक हेयर सेल के अंदर 50 से 60 स्टीरियोसीलिया रह रहे होते हैं छोटे से लेकर लंबे तक। और दूसरे 20,000 आउटर हेयर सेल्स, ये तो अभी हमने इनर हेयर सेल्स बताई हैं, ये जो आपको चार रोज़ में दिखाई दे रही थी ना वो फोर रोज़ हैं, तो उनमें 3500 तो इनर हेयर सेल्स हैं IHC जिनको हम कह रहे हैं, और 20,000 इसके अंदर आउटर हेयर सेल्स होते जो अरेंज रहते थ्री रोज़ के अंदर IHC के जस्ट अपोजिट। डायग्राम में आपको केवल IHC दिखाई दे रहे हैं, OHC आपको दिखाई नहीं दे रही है, इनर हेयर सेल्स और आउटर हेयर सेल्स की जो हम बात कर रहे हैं इस डायग्राम में वो आपको दिखाया गया है। अब आउटर हेयर सेल्स और इनर हेयर सेल्स को एक बार थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए अपन ये बाजू वाला इसका डायग्राम देख लेते हैं। ये देखिए क्लियर क्लियर है ना, आउटर हेयर सेल्स आपको दिखाई दे रही हैं, इनर हेयर सेल्स आपको दिखाई दे रही हैं। तो इनर हेयर सेल्स की तो चार रोज़ हैं, आउटर हेयर सेल्स की तीन रोज़ हैं। पिछले डायग्राम में इनर हेयर सेल्स चार रोज़ में एकदम क्लियर दिखाई गया था, इस दूसरी स्लाइड के अंदर आउटर हेयर सेल्स तीन रोज़ में, और पीछे इसके इनर हेयर सेल्स है जो केवल आपको इस डायग्राम में सिंगल दिखाई दे रही है। तो ये हमने बताया कि भाई क्या क्या कितनी कितनी होती हैं। अब इसी को मैं थोड़ा सा आपको इंग्लिश में बोल के बता देती हूँ ताकि आप उसको आराम से नोट कर सकें। सो द ऑर्गन ऑफ कॉटाई इज सपोर्टेड बाई अ मेम्ब्रेन कॉल्ड द बेसिलर मेम्ब्रेन। इट अबाउट द साइज ऑफ पी एंड एक्ट्स एज अ ट्रांसड्यूसर कन्वर्टिंग वाइब्रेशन इंटू नर्व इम्पल्सिस। इट हैज़ हेयर सेल्स एंड सपोर्टिंग सेल्स। हेयर सेल्स हैव लॉन्ग स्टिफ माइक्रोविलई कॉल्ड द स्टीरियोसीलिया ऑन देयर एपिकल सर्फेसिस। माइक्रोविलई आर फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स ऑन सेल्स दैट हेल्प टू इंक्रीज सेल सर्फेस एरिया।
ऑन टॉप ऑफ दीज स्टीरियोसीलिया देर इज़ अ जेली लाइक मेम्ब्रेन कॉल्ड द टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। डायग्राम में टेक्टोरियल मेम्ब्रेन साफ दिखाई दे रही है, पिछले वाले में भी थी और इसमें भी दिख रही है। फोर रोज ऑफ हेयर सेल्स स्पायरल अलोंग द लेंथ ऑफ द ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। ऑफ दीज देर आर अबाउट 3500 इनर हेयर सेल्स IHCs, ईच विद अ क्लस्टर ऑफ 50 to 60 स्टीरियोसीलिया ग्रेडेड फ्रॉम शॉर्ट टू टॉल। देर आर अनदर 20,000 हेयर सेल आउटर हेयर सेल्स OHCs दैट आर अरेंज्ड इन थ्री रोज अपोजिट द IHCs। ईच OHC हैज़ अबाउट 100 स्टीरियोसीलिया। देखो IHC में मैंने कहा 50 to 60 स्टीरियोसीलिया होते हैं, जबकि OHC में 100 स्टीरियोसीलिया होते हैं विद देयर टिप्स एम्बेडेड इन द टेक्टोरियल मेम्ब्रेन अबव देम। दीज आउटर हेयर सेल्स एडजस्ट द रिस्पॉन्स ऑफ कोक्लियर टू डिफरेंट साउंड फ्रिक्वेंसी सो एज टू इनेबल द इनर हेयर सेल्स टू फंक्शन मोर एक्यूरेटली। द फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म बाय विच हेयर सेल्स विद इन द कोक्लिया एक्ट टू प्रोड्यूस हियरिंग आर वी विल डिस्कस इन आर नेक्स्ट क्लास। तो हमने अभी तक ये पढ़ा कि भाई चार रोज़ हैं हेयर सेल्स की, स्पाइरल हेयर सेल्स की, जिनकी जो कि ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई के उसमें चल रही हैं। इनमें से लगभग 3500 इनर हेयर सेल्स होती हैं जिनमें 50 to 60 स्टीरियोसीलिया रहते हैं, शॉर्ट से टॉल होते हैं। दूसरी 20,000 इसमें आउटर हेयर सेल्स होती हैं, इनर हेयर सेल्स और आउटर हेयर सेल्स, जो कि अरेंज रहती है तीन रोज़ के अंदर, IHC के जस्ट अपोजिट होती हैं। हर एक OHC में 100 स्टीरियोसीलिया होते हैं, उनके टिप्स पर पाए जाते हैं, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन में एम्बेडेड रहते हैं ये। आउटर हेयर सेल्स का क्या काम होता है, ये कोक्लिया के रिस्पॉन्स को एडजस्ट करता है जिस जिस तरह के साउंड फ्रिक्वेंसीज आ रही है। भाई कोई तेज बोल रहा होगा, कोई धीरे बोल रहा होगा, तो उसके अकॉर्डिंग ये कोक्लिया को एडजस्ट करते रहते हैं, हेयर सेल्स एडजस्ट करती रहती हैं, ताकि हमारा जो इनर हेयर सेल्स है वो अच्छे से अपना फंक्शन एक्यूरेटली कर सके और अपना नव इम्पल्सिस को भेज सके। अब इसकी जो मैकेनिज्म है वो अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर स्लाइड मैं इसकी दिखाऊंगी जिसमें अपन डिस्कस करेंगे। अब ये थोड़ा सा जो और बचा हुआ पार्ट था उनको देख लेते हैं, इनर ईयर के अंदर और क्या क्या चीज़ें आ रही है। तो राइजनर्स मेम्ब्रेन जिसको अपन वेस्टिब्यूलर मेम्ब्रेन कहते हैं वो नेक्स्ट पार्ट है। इसके अलावा बेसल मेम्ब्रेन का नाम हमने अभी पढ़ा, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन का नाम हमने पढ़ा, और ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई तो हमने काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया जो इसके अंदर दिया हुआ है आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो राइजनर्स मेम्ब्रेन है जिसको अपन वेस्टिब्यूलर मेम्ब्रेन कहते हैं, आपने इस मेम्ब्रेन को यहाँ पर एक बार डायग्राम में देख लीजिए। ये वेस्टिब्यूलर मेम्ब्रेन आपको सबसे ऊपर दिखाई दे रही है, वेस्टिब्यूलर मेम्ब्रेन है, ये रेड से कलर का जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये वेस्टिब्यूलर मेम्ब्रेन का पार्ट है। ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई तो खैर हमने पढ़ भी लिया है, काफ़ी अच्छे से डिटेल के अंदर हमने पढ़ लिया इसको। तो हम इस वेस्टिब्यूलर मेम्ब्रेन को पढ़ें अपनी इस स्लाइड के अंदर, जिसको अपने राइजनर्स मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये सॉफ्ट थिन मेम्ब्रेन है जो कि स्कैला वेस्टिब्यूला और स्कैला मीडिया को अलग करती है। डायग्राम उस वाले डायग्राम में आप देख सकते हैं वापस स्लाइड को खोल करके कि ये किसको अलग कर रही है, स्कैला वेस्टिब्यूली और स्कैला मीडिया को अलग कर रही है। विच डज नॉट ऑब्स्ट्रक्ट द पैसेज ऑफ साउंड, और ये साउंड के पैसेज में भी कोई रुकावट पैदा नहीं करती है, पतली सी बेचारी मेम्ब्रेन है। दूसरी स्ट्रक्चर है बेसिलर मेम्ब्रेन, ये फाइब्रस मेम्ब्रेन है जो कि सेपरेट कर रही है स्कैला मीडिया और स्कैला टिम्पैनी को। बेसिलर मेम्ब्रेन स्कैला मीडिया स्कैला टिम्पैनी को अलग कर रही है, वेस्टिब्यूलर मेम्ब्रेन वेस्टिब्यूलर मीडिया को अलग कर रही है, और टेक्टोरियल मेम्ब्रेन जो हमने अब भी अच्छे से पढ़ा कि जेल लाइक मेम्ब्रेन है, बेंडिंग हेयर सेल्स, हेयर सेल्स को बेंड करने काम आ रही होती है। हेयर सेल्स आपने पढ़ा इसके अंदर धसी हुई होती है स्ट्रक्चर्स। अब ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई जो हमने अच्छे से पढ़ लिया था, यहाँ आपके पास लिखी हुई है ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई कि रिसेप्टर ऑर्गन है जो कि नर्व इम्पल्स को जनरेट करने का काम करता है जब कोई वाइब्रेशंस आती हैं।
बेसलर मेम्ब्रेन की वाइब्रेशंस के रिस्पांस में नर्व इम्पल्स को जनरेट करता है। इसमें नर्व सेल्स पाई जाती है, सिंगल रो की इंटरनल हेयर सेल्स और 3 से 4 रोज की एक्सटर्नल हेयर सेल्स। इंटरनल हेयर सेल्स में 3500 की संख्या होती है, 12 माइक्रोमीटर इसका डायामीटर होता है, जबकि एक्सटर्नल हेयर सेल्स इसमें 12000 बताई गई हैं, अदरवाइज 12 से 20000 तक होती हैं और 8 माइक्रोमीटर इसका डायामीटर होता है। तो ये जो है हमने पढ़ी, हम इनर ईयर की जो स्ट्रक्चर्स रह गई थी वो हमने पढ़ ली। इसके साथ हमारे आज का ये इनर वाला टॉपिक, इनर ईयर का जो टॉपिक है वो ख़त्म हो गया। तो हमने जनरल एनाटॉमी और फिजियोलॉजी जो इनर ईयर, मिडल ईयर और आउटर ईयर की थी वो हमने अपनी इन 3 क्लासेस में पढ़ ली। आगे हमारे को हियरिंग की मैकेनिज्म को और थोड़ा डिटेल में अच्छे से पढ़ना है, जो हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, फ़ोन करके पूछ सकते हैं, आप अपने ग्रुप में जो आपके CR हैं उनको आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, मुझको डायरेक्ट मेल कर सकते हैं, आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।